हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम अक्षय और आज हम आए हैं जोरबाग और यहाँ पे है बहुत सारी फोटो शूट की लोकेशन और लोधी कॉलोनी जहाँ पे हमारा फोटो वॉल प्रिंटेड वॉल कह लो आप, ग्रेफिटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। टोटल 23 ग्रेफिटी वॉल्स हैं यहाँ पे बनी हुई और आज हम चेकआउट करेंगे इनको। आज देखते हैं कि इसमें आपको कैसे कैसे लोकेशन तो मिलेगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि फ़ोन से भी अच्छी अच्छी फोटोज ले सकते हैं हम। वैसे कैमरा भी लाया हूँ बट बेसिकली हम फ़ोन पे स्टिक कर रहे हैं। बिल्कुल, विद अ लेंस ऑकी एंड एम्पाओ। एम्पाओ के लेंसेज हमारे पास जो अभी हमने लगा रखा है, मैंने अभी फ़ोन पर लगाया जो वो एम्पाओ का है वाइड एंगल लेंस। तो आप खुद आप देख सकते हो कितना वाइड जा रहा है। हाथ भी इसने पूरा स्ट्रेट नहीं किया, मैं पास में ला रखा है। बताइए मास्टर जी, ये हमारे दोस्त राम गोपाल वर्मा जी ये यहाँ रहते हैं। राम ये बताना यहाँ टोटल कितनी ये ग्राफिटीज है? 20 ग्राफिटीज यार। 20 ग्राफिटीज तो किसने बनाई थी? यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट इंडिया वालों ने, जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है स्टार्ट इंडिया। और अच्छा। वो कुछ ग्रुप्स था, एक कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ का आर्ट वालों का ग्रुप था, उन्होंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, NDMC की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कि इनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, और ये कब बना है? और ये बना था, पहला कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला था 2015 में, दिल्ली का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और जब ये फेमस हुआ कॉन्ट्रैक्ट इनका, ठीक है, तो इसके बाद इन्हें बैंगलोर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, गोवा का, मुंबई का, कोलकाता का। ओके। अभी और भी मिल रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मतलब अभी प्रेजेंट इनका गोवा में प्रोजेक्ट चल रहा है स्ट्रीट आर्ट इंडिया का। तो फिर अगर आपको उनका इंस्टाग्राम देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ें हैं और यहाँ का फोटो शूट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में कथक ट्विंस, ये कथक ट्विंस बोलते हैं, कथक ट्विंस, इन्हें कथक ट्विंस बोलते हैं। ये वही 2015 में बने थे। ये हमारी अब 8वीं ग्राफिटी है जैसे आप पीछे देख सकते हो, जिसको लोगों ने खराब कर दिया। देखो क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, मंदबुद्धि लोगों ने, क्या उल्टे उल्टे काम है यार लोगों के। देखो कुछ काम है नहीं, धंधा नहीं, यहाँ लिख देते। देखो क्या लिखा है, पागल लिखा ना मेरे ख्याल से, ग्राफिटी की माँ बहने कर दी। इतनी मुश्किल से बनती है इतनी अच्छी अच्छी। और हमारे पीछे ये 9th ग्राफिटी है, देखो इसके अंदर क्या है, परपेंडिकुलरली यहाँ पे कुछ मेटल से कुछ चीज़ें इन्होंने बना रखी है, शेप्स बना रखी हैं, और उनके ऊपर से शैडो गिरती है नीचे की तरफ, जिससे आपका वर्ड्स दिखते हैं आपको नीचे। बट इसमें भी आप देख सकते हो कोरोजन हो गया, जिससे आपका मेटल टूट गया वहाँ से। हम आगे चल रहे हैं, अभी कुछ नाश्ता करते हैं। मेरे दोस्त ने बोला कि यहाँ पे डोसा अच्छा मिलता है तो आज वो हम खाएंगे। मेरे पीछे है अन्ना डोसा और ये कहानी है, ये बताएगा राम, बताएगा बताओ। मर्चेंट मार्केट में इनकी दुकान हुआ करती थी, और मतलब रेंटेड दुकान थी इनकी, और जितना ये कमाती नहीं तो उतना ये रेंट में चला जाता था, मतलब मेन बात इनकी यही है। और पुलिस वालों को तो आपको पता ही है कितना मांगते हैं पैसे। तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि रेड़ी खोलेंगे। पहले इनकी रेड़ी आउटसाइड रोड पे थी, और फिर आउटसाइड पे प्रोग्राम होते थे तो बार बार इन्हें क्लोज करनी पड़ी थी, इसलिए थोड़ा इन्होंने अंदर कितने ब्लॉक नंबर 7 में के पास इन्होंने खोली है, फ्रंट सफल एंड नियर मदर डेयरी। और अब इनका डोसा भी चीप है रेट वाइज, टेस्ट तो वही है पुराना बिल्कुल। और 50 रुपए का यार पर डोसा, 50 रुपए का पर डोसा, एंड 40 रुपए सही है, बहुत प्लेट सही है। इडली 40 सही है पर प्लेट इडली। अगर यहाँ पर घूमना है आप तो आपके लिए बेस्ट यही लग रहा है मेरे को, खाने के लिए सबसे बेस्ट यही लग रहा है मेरे को इधर खाने के लिए। और 150-200 वाला जो डोसा होता है ना, उससे तो कई गुना अच्छा लग रहा है मेरे को खाने में। यहाँ पर जो भी लोधी कॉलोनी के फ्लैट्स हैं 1 BHK से लेके 4 BHK तक हैं, वो लेवल पे डिपेंड करता है NDMC में कौन किस लेवल पर उसकी जॉब है। अच्छा। जैसे लाइक कोई प्यून है तो प्यून को 1 BHK एंड 2 BHK मिलेगा, और प्यून से थोड़ा ऊपर अगर कोई है सेक्रेटरी तो उसे 3 BHK तक मिलेगा, और अगर कोई IAS या IES है तो उसे 4 BHK मिलेगा। पर उसके लिए भी अलग अलग इलाकों में डिजाइन है, और ये पहली बात तो ये ब्रिटिशेज ने डिज़ाइन करा था अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इसका नेम क्या रखा था इन ब्रिटिशर्स ने, लोधी कॉलोनी ही था पहले भी, उस वक्त भी गवर्नमेंट के लिए जो काम करते थे उनके लिए फ्लैट्स थे, और अभी भी जो काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए उन्हीं के लिए फ्लैट्स हैं।
और लाइक पहले इसका कलर थोड़ा शेड था, व्हाइट कलर के थे सारे फ्लैग्स। तो अभी सब कुछ डिपेंड हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम होता 2008 में जो, तब कॉमनवेल्थ गेम की वजह से यहाँ पे रीपेंट किया गया था और यहाँ पे पूरी रोड भी मतलब हर चीज डेवलपमेंट कॉमनवेल्थ के टाइम पे हुई थी यहाँ पे लगभग सारी। और इसके अलावा मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत हाई है और यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे एनडीएमसी के अंडर आता है। पहली बात तो ये इलाका तो एनडीएमसी इसीलिए क्लीन भी मानी जाती है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कोई गंदगी कोई कुछ नहीं है। गंदगी है ऐसी बात नहीं है बट वो शांति है, शांति बहुत ज्यादा है। जैसे रोहिणी एरिया अगर आपका देखोगे तो उससे कम्पेयर करोगे तो यहाँ शांति ज्यादा है। तो ये थी कुछ हमारी वीडियो आज की। बकवास तो कितनी होगी, मुझे नहीं पता कितनी गंदी लगी आपको, कितनी बुरी लगी, कैसी क्या लगी, जैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। अभी भी जगह अच्छी है, फोटोग्राफी आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे, बड़ी शानदार। वैसे हाँ गोल्डन हॉर्स जिसे बोलते हैं सुनहरा घंटा, आप अगर उसमें आओगे तो आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी लोकेशन मिलेंगी फ़ोटो खींचने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो अभी लाइट जो आ रही है, अभी घर जा रहे हैं, 15% बची है बैटरी फ़ोन में और मैंने फ़ोन से बहुत सारे फ़ोटो लिए हैं और क्या नाम इसका जो हमारा DSLR लेके आए थे 200D उससे भी बहुत सारी फ़ोटो ली है। मैं अभी वीडियो में डाल दूँगा आप देख सकते हो। पुरानी वाली वीडियो के बाद देख रहे हो जो कि पुरानी वाली वीडियो थी जिसके अंदर मैं नेहरू प्लेस गया था, अगर आप उसके बाद देख रहे हो तो नेहरू प्लेस की एक नई वीडियो आएगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।